हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के व्यापक हैं प्रबंध। एडीजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। कहा हर्षोल्लास से मनाए गणतंत्र दिवस। बड़ालगंज थाना क्षेत्र के सितवा पार में तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में 3 घायल। एसएसपी ने कहा मुख्य आरोपी की तलाश है जारी। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से लोगों से हर्ष फायरिंग न करने की अपील। मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु स्थापित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर का मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा मतदान से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 से प्राप्त कर सकता है मतदाता। विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह और महापौर सीताराम ने दिया गणतंत्र दिवस की शुभकामना। गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर एडीजी मंडलायुक्त आईजी डीएम एसएसपी एसपी रेलवे एएसपी ने दी अपनी शुभकामनाएं। कहा हर्षोल्लास के साथ मनाए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 3000 छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला। मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सभी मतदाता समय आने पर मतदान अवश्य करें की कमिश्नर अमित गुप्ता ने दिलाई शपथ। सजनवा पुलिस ने किया लाखों का अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार जा रहा था अवैध शराब। एएसपी ने कहा 4 शराब तस्कर भी हिरासत में। मंडलायुक्त ने किया कलेक्ट्रेट परिसर और विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण। कहा कोर्ट में लंबित वादों सहित अन्य कार्यों का समय से करें निस्तारण। कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। फर्टिलाइजर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में आयोजित हुई बीजेपी की आवश्यक बैठक। मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मतदान के प्रति छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। और वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर NHM संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा जारी। CMO कार्यालय से निकली रैली।